नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाई गुड़िया केसी एंड एक्टिव चैनल, मैं एक्टिव गुड़िया के चैनल में, मैं गुड़िया केसी अब फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, यानी कुल मिला के जो असली ठंड कहते हैं ना, अब स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज़ 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 आप सभी लोग अपने घर में रहें, रजाई के अंदर बैठे रहें, ज़्यादा बाहर न निकलो। दूसरी चीज़ और, कोरोना भी आ गया है, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, ठीक है, यानी कि दस्तक दे चुका है। इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी अपनी केयर खुद करें, कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहने की, बेफालतू में बिना किसी वजह घर के बाहर न निकले। अगर घर के बाहर निकल भी रहे हैं तो सैनिटाइजर अपने जेब में अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन नाम का जो कोरोना आया है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है हर किसी के लिए, सबसे अधिक बच्चों के लिए है। तो ज़्यादातर कोशिश करें बच्चे अपने घर में ही रहें, बच्चे घर से बाहर न निकलें, ठीक है। अगर घर में बच्चे हैं तो घर के अंदर ही रखें, और भी बच्चों से या भी एक दूसरे से दूरी बना के रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो है ना। चलो आज अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास है, ठीक है, मैथ की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो मैथ की क्लास को कंटिन्यूस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि अब ये सिंपल नहीं है, अभी थोड़े थोड़े हार्ड होने स्टार्ट हो गए। यानी कि अब इस क्लास को फिफ्थ क्लास के बच्चे से ले के इंटरमीडिएट तक ही नहीं, कॉम्पिटिशन तक के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका बेसिक होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर बेसिक कर लोगे तो आपको हार्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक चीज़ें पता है तो आप हार्ड भी बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे जो होल नंबर पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सम ऑफ सुटेबल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड द प्रोडक्ट सुटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी कौन से, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लाई वाले, यानी इस तरह से क्वेश्चन करना है, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये नए तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हटके है, ठीक है। गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे से पता है कि जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं पहली पूछती हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं पहली की तरफ ही चलती हूँ, थोड़ा सा पहली क्या है आपका, थोड़ा आप देख लो और जान लो। पहली है, पहली देखो आज की क्या है, ठीक है। पहली है आपस की उलझन सुलझाए या सुलझाकर, ठीक है, आपस में जो उलझ रहे हैं उसे तो सुलझा देता है, ठीक है। अलग अलग जो बांटता उसके दांत हैं पर नहीं वह काटता, सोच समझ के बताना आंसर। बहुत ही मज़ेदार आपकी पहेली है। पहेली है आपस की उलझन सुलझाकर, क्या करता है, आपस में जो उलझे रहते हैं उसे तो पहले सुलझा देता है, फिर क्या करता है, अलग अलग जो बांटता, सुलझा कर क्या करता है, उसे अलग कर देता है। भाई जो आपस में सुलझे पड़े हैं उसे वो क्या करता है, अलग अलग बांट देता है। फिर क्या करता है, दांत कभी ना काटता, वह उसके पास दांत है मगर फिर भी वो काटता नहीं। तो इसकी पहेली का आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बताऊँगी कब, क्लास के लास्ट में, ठीक है, आ जाओ। तो हम पढ़ते हैं क्या, फाइंड द प्रोडक्ट सुटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर एक देख लो। क्वेश्चन नंबर एक है 738, क्या है, 738 मल्टीप्लाई 103। अब इसे बच्चे किस तरीके से करते हैं, पता है क्या करते हैं, मैं बता रही हूँ। इसमें बच्चे क्या करते हैं, 738 लिख के और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, जो आता है आंसर होता है। अगर आप भी ऐसे करते हो इस क्वेश्चन को, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा। अगर स्कूल में भी आप ऐसे करते हो या कोई और करता है, तो बता दूं ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। इसमें आपको मिलेंगे बड़ा बड़ा लड्डू अगर आप स्कूल में करोगे तो। ये किस तरीके से होगा, पहले ऐसे देखो, पहले क्या करेंगे, 738 है तो 738 लिख देंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई,
ये जो 103 है इसका एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब समझते हो, अगर 103 का एक्सप्लेनेशन करोगे तो पहले क्या लिखा है, वन, और वन के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो होगा, होगा फिर क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, ऐसे होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसे पहले एक्सप्लेन करेंगे 100 + 3 इस तरीके से। ठीक आया समझ में, पहले 100, अगर 100 में आप 3 प्लस करोगे तो 103 हो जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब इसे एक्सप्लेन तो कर दिया, अब इसका हर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 738 में सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, किसका, 100 का, 100 हो गया, फिर प्लस 738 मल्टीप्लाई अब 3 का करेंगे, ऐसा समझ में, यानी पहले छोटे से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बड़ा करके इसे हम क्या करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व किया जाए कैसे करेंगे, आपको पता है 738 में जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 738, और कितने जीरो हैं, दो जीरो, तो यहाँ दो जीरो लग जाएंगे। ठीक, फिर क्या है, 738 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, जब पढ़ो तो ठीक है, टेबल 8 बार 24 कैरी लगा 2, 3 जा 9, 9 2 11, 11 को कैरी लगा 1, 3 7 जा 21, 21 और 1 22, तो इसका हो जाएगा 2214। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, करने का तरीका 73,800 है, इसमें 2214 को प्लस करेंगे, जीरो में 4 प्लस करोगे 4 आएगा, जीरो में 1 प्लस करोगे 1 आएगा, 8 में 2 प्लस करोगे 0 आएगा, 3 में 2 प्लस करोगे 5 आएगा, और एक कैरी हो गया, ये हो गया 6 और यहाँ हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 76,014। आया समझ में गाइस, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका फाइंड द प्रोडक्ट सूटेबल प्रॉपर्टीज है, इस तरीके से क्या करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, देखो सब कुछ सामने दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ जी, ओहो थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट, देखो कैमरा को सही कर दूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है, चलो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। मेरा काम है कि मैं थोड़ा आराम से क्लास लेती हूँ, आराम से मतलब ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, क्या होता है ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखाई देता, ज़्यादा पढ़ा दूँगी बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, एक दिन में अगर एक चीज़ सीख रहे हो तो दिन बहुत है, आप एक दिन के हिसाब से बहुत कुछ सीखते चले जाओगे। ठीक है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीखो, अच्छे से सीखो, ठीक है, सोचो कि इकट्ठा सब कुछ सीख ले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि माइंड भी हमारा कई तरह से हर चीज़ों में बटा होता है, कभी किसी में कभी किसी में। ठीक है, तो माइंड को भी रिलैक्स देना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ, अगर क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर बी देखो कैसे है, क्वेश्चन नंबर बी है 8054 मल्टीप्लाई 102, कैसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे, यानी 8054 है मल्टीप्लाई, इसका करेंगे तो 100 + 2, क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 8054 मल्टीप्लाई क्या, 100, फिर प्लस 854 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, दोनों में प्लस का निशान लगा दे, अब इसका मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 84, और यहाँ पे डबल जीरो है ना, 84,400 प्लस, जब 2 का मल्टीप्लाई पर 4 2 8 2 5 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 8 16 16 17, ये हो गया 1708, अब इसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो करो तो इसे प्लस कैसे होगा, 85,400 है, इसमें क्या करेंगे 1708 को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ देखो, 8 में 0 प्लस करोगे 8 आएगा, 0 में 0 प्लस करोगे 0 आएगा, 7 में 4 प्लस करोगे 11 आएगा, कैरी लगा 1 5 1 6 6 1 7, ये हो जाएगा 87, तो इसका आंसर जाएगा 87,108। क्लियर है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा, आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, है ना, तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, उसके बाद और भी क्वेश्चन है, सुटेबल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हल्के में लेके गाइस, बिल्कुल भी नहीं चलना,
ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ दो क्वेश्चन हुए, तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो जान लो कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सी है 2058 मल्टीप्लाई 108, इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे होगा? तो ये हो जाएगा आपका, एक्सप्लेन करेंगे, 258 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8। ठीक, आ जाओ। 258 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, प्लस 258 मल्टीप्लाई 8, आ जाओ करो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 225,800। यही होगा ना, दो जो इसमें लग जाएगा। आ जाओ, 258 है, 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, कैरी लगा 6, 8 5 जा 40, 40 46 कैरी हो जाएगा 4, 8 2 जा 16, 17 18 19 20। ठीक, तो हो जाएगा 2064। अब क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25,800 में 2064 प्लस करना है, तो हो जाएगा 4 6 8 5 2 7 और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27,864। ओके, देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्लियर है? चीज समझ में आ रही है? अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। ठीक है, देखो ये सम वाले हैं, ये जो देखो जो 800 भी, इसका माइनस वाला भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अभी इसका माइनस वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, डोंट वरी, अभी इसका क्वेश्चन मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है 1005 मल्टीप्लाई 168। ठीक है, आ जाओ, कैसे करेंगे? तो 1005 मल्टीप्लाई नहीं, क्या है क्वेश्चन, ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये क्या होगा, ये उतना ही रहेगा, इसमें करेंगे डिफरेंस, याद रखना। जो ना आपका 100 या फिर 1000 या 10 के जो नियरेस्ट रहेगा उसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, एक बात याद रखना। बस इसमें क्या होगा, ये उल्टे में आ गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 168 मल्टीप्लाई, अब इसको इधर कर देंगे, 1000 प्लस 5, ऐसे। ठीक, अब ये हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई कितना है 5। ठीक, आओ करो, हो जाएगा 1168 मल्टीप्लाई 100 से 1000 से क्या 3 0 हो जाएगा, प्लस 168 मल्टीप्लाई 5, या पढ़ो 5 का टेबल 8 बार 5, 5 8 जा 40, कैरी लगा 4, 5 3 जा 5 6 जा 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, कैरी लगा 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना था 5 6 7 8, 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 840। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, तो इसे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,68,840। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,68,840। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, क्या सुटेबल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, क्लियर है? आई होप किसी को कहीं से प्रॉब्लम तो होगी नहीं, है ना। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा अपनी पहेली की तरफ। कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं अपनी पहेली की तरफ। ओके, पहेली क्या था, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो पहेली था आपका आपस की उलझन, ठीक है, आपस की उलझन को क्या करता है, सुलझाता है। ठीक है, और क्या करता है, अलग अलग जो बांटता है, और दांत है, दांत है पर वो काटता नहीं है। ठीक है, तो आपके जो पहेली का आंसर है, पहेली का जो आंसर है वो है कंघा, है ना, या कंघी जिसे कहते हैं, कंघा। घे घड़ी है, धे धनुष मत समझना, कंघा।
है ना, कंघी क्या करता है, उसके लंबे लंबे दांत होते हैं पर वो कभी किसी को काटता नहीं, क्या बाल में काटता है, नहीं काटता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, वो हमारे बाल में, जब हम बाल हमारे उलझ जाते हैं तो वही सुलझाता है और सबको अलग अलग करके बिल्कुल सिंपल कर देता है, राइट। तो आई होप क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। तो आप लोग को क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, थोड़ा सा अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को। और हाँ, क्या नाम है, अगर मेरी क्लास से पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ भाई, अपनी अपनी केयर करना, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, अपने आप को भी बचाओ, बच्चों को भी बचाओ, बच्चे घर में ही रहें, ठंड वैसे भी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि इस समय अपनी केयर खुद करनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपनी केयर करेंगे तो अगला इंसान भी खुद केयर करेगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, सी यू।